वैसे तो सैलरी मिलते ही लोगों के चेहरे पर खुशी दौड़ जाती है, लेकिन कानपुर में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की मौत पगार देखते ही हो गई। दरअसल चौबेपुर के मोर डिटर्जेंट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह 10-10 रुपए के सिक्के के रूप में मिली, जिससे सदमे में आए कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हम इस फैक्ट्री में इसलिए आए कि हमारे गांव का राम सिंह यहां काम करता था और उसको हर महीने में सिक्के दिए जाते हैं। सब पूरे कर्मचारियों को और उसको सिक्के से मतलब उसको कहीं पैसे की अति आवश्यकता थी, उसको कहीं पैसा इस प्रकार से देना था जो सिक्के कोई लेता नहीं है, तो वो सिक्के ले जाने से असमर्थ हुआ। वो यहाँ से घर नहीं पहुँच पाया, रास्ते में ही देदूपुर के आगे वो घस खा के गिर गया। दरअसल राम सिंह की पत्नी गर्भवती थी और उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। हार कर राम सिंह ने सिक्का तो ले लिया, लेकिन वो इस वजह से तनाव में आ गया। काम खत्म कर वो जब शाम को घर के लिए निकला तो राम सिंह को हार्ट अटैक आया और वो रास्ते पर ही गिर गया। आनन फानन में लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद परिजनों के साथ उसके साथियों ने फैक्ट्री के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा भी किया। न्यूज के लिए कानपुर से चंद्रकांत तिवारी की रिपोर्ट।